तो बस कल मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके खा के हम सो गए। कल हमने यही किया यहाँ पे आके। आज अब सुबह फ्रेश मॉर्निंग, फ्रेश होके सब उठे हैं पूरे जोश के साथ। क्यों, जोश है कि नहीं है? जोश इज हाई। तो अब जाएंगे पहले ब्रेकफास्ट के लिए, देखते हैं आसपास कोई अच्छा एरिया हो, अच्छा रेस्टोरेंट हो ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं फिर एफिल टावर। Let's go. Let's go. Huya, huya, huya. Let's go. Yes. पहुंच गए फाइनली चेन्नई ढोसा, और इसके पास में ही वेस्ट ऑफ इंडिया भी है। यस, मैं आपके पास ही बैठूंगी। खाओ, बहुत दिनों के बाद डोसा मिला है। समोसा मंगवाया था जो हमने फिनिश कर दिया है। और हम जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहीं हमें एक इंडियन बंदा मिला जो कि बहुत अच्छा था, और वो यहाँ पे रह रहे थे बहुत टाइम से अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो यहाँ पेरिस में रह रहे थे, तो हम जिस साइड जा रहे थे वो भी उसी साइड जा रहे थे, तो हमारे साथ ही आ गए वो वॉक करते हुए। और साथ साथ में वो पेरिस में क्योंकि बहुत सालों से रह रहे हैं तो यहाँ के बारे में भी बताने लग गए। और उन्होंने ये भी एक बात बताई कि मीन्स यहाँ पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत अच्छा चर्च है, और उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई कि वहाँ चर्च में जाके जो भी अगर कोई एक विश मांगो तो वो विश पूरी होती है। तो ऐसी बात सुन के तो किसी का भी मन चल जाता है वहाँ जाने का, और हमारे साथ भी वही हुआ। तो यही वो चर्च है जिसके बारे में वो बता रहे थे, और साथ में उन्होंने एक चीज़ और बताई जिसको सुन के निशांत को थोड़ा डर लग गया। एक्चुअली पता तो था थोड़ा चोरी वगैरह के बारे में जो बहुत सारी जगह पे होता है और यहाँ पेरिस में भी होता है, लेकिन उन्होंने बताया तो थोड़ा और सोचने पे हम मजबूर हो गए उस चीज़ के लिए कि वॉलेट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ चोरी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अगर जो रहने वाले बंदे होते हैं वो बताएं तो थोड़ा स्केरी हो जाता है, इसलिए फिर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है। पेट में रखना, जो मूवी में अमरीश पुरी को ऐसे ही कबूतरों को दाने डालते हुए देखते हैं ना। हम नॉर्थडम चर्च जा रहे थे जो कि यहाँ का बहुत फेमस चर्च है, और गूगल मैप पे हमने लगाया था लोकेशन उसका, उसको फॉलो करके, गूगल मैप को फॉलो करके हम वॉक करके ही जा रहे हैं। रास्ते में ये एक देखिए हमको केनाल, तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गए, थक गए थे तो तब तक मैंने देखा ये बोट जा रही है यहाँ से, और यहाँ ब्रिज बना हुआ है, इसके लिए सिग्नल भी है। और वो वर्ल्ड का सबसे ओल्ड चर्च है। हाँ, सबसे 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 ओल्ड चर्च है, इसीलिए जाना बनता है एक बार। हाँ, और वॉक करके इसलिए जाना जरूरी है, थोड़ा बहुत सिटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। गूगल मैप लगा के हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली नॉर्थडम जाने की वॉक करके, पर थक हार के वापस आ गए हैं बस स्टैंड, और यहाँ से बस लेके फिर हम जाएंगे क्योंकि पूरा टाइम हम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहते। कुछ लोकेशन मिल नहीं रही थी, और टाइम वेस्ट इसमें कर दे तो फिर बाद में एफिल टावर भी जाना है, तो इसलिए बस स्टैंड आ गए। अब यहाँ से नॉर्थडम जाएंगे और फिर
अपना आईफिल टावर। इस पॉइंट के इस स्टैचू के जस्ट सामने ऐसा है मेट्रो स्टेशन, बस कवर किया हुआ रहता है चारों तरफ और पता नहीं चलता है कि ये मेट्रो स्टेशन है नए आने वाले लोगों के लिए। एक बार थोड़ा मुश्किल होता है, फिर एक बार पता चल जाए तो पता चल ही जाता है कि ये मेट्रो स्टेशन है। हर की तरफ कुछ भी ऐसे साइन बना हुआ नहीं रहता है, बस ये चारों तरफ कवर्ड रहता है और ये मेट्रो स्टेशन। चलो आ जाओ। कि हमारा कार्ड काम नहीं कर रहा था बस में, पास और 24 आवर्स का पास लिया था हमने लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम फिर से एक पास लेंगे यहाँ पे। ये नहीं चल रहा है पास, यहाँ पे 24 आवर्स का पास लिया था हमने, अभी 2:30 पे 24 आवर्स होगा और अभी तो 1:00 हो रहा है लेकिन फिर भी पास काम नहीं कर रहा है हमारा, तो इसलिए हम यहाँ फिर से आए पास लेने के लिए ताकि फिर मेट्रो यूज़ कर सके। टिकट काउंटर पे बताया कि जो पास है वो कभी ऐसे ही वर्क करना बंद कर देता है, तो इट्स ओके, उन्होंने रिन्यू करके दिया उसे, मीन्स वैलिड है हमारा पास और अब हम जा सकते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा हमने चेंज किया, अब हम नॉर्थ एडम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं अभी एफिल टावर। नॉर्थ एडम जाके हम थोड़ा अपने आप को लेट नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, पेरिस एफिल टावर का हम दोनों व्यू लेना चाहते हैं, डे व्यू भी और नाइट व्यू भी। नाइट में एक अलग व्यू होता है उसका, डे में अलग व्यू होता है, तो दोनों व्यू देखना चाहते हैं, इसलिए नॉर्थ एडम हुआ। तो अब डे व्यू एफिल टावर का लेने के बाद इन बिटवीन अगर टाइम मिलता है हमको तो हम जाएंगे, अदरवाइज अभी पहले हम एफिल टावर जा रहे हैं। और आ गई हमारी मेट्रो, चलो 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 चलो। और अब हम पहुंच गए हैं, डैड दिखाती हूँ मैं आपको एफिल टावर। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, हम एफिल टावर पहुंच गए हैं, पास में भी जाएंगे लेकिन अभी यहाँ हम खड़े हो गए हैं कुछ फोटोज लेने के लिए। दूर से, जितना दूर से आप एफिल टावर के साथ फोटो लेंगे उतनी अच्छी आती है, पास से भी लेंगे लेकिन दूर से पूरा फुल एफिल टावर का व्यू आएगा और फुल एफिल टावर के व्यू के साथ आपकी फ़ोटोज़ ले पाएंगे, इसलिए हम यहाँ एक ब्रिज पर रुक गए हैं एफिल टावर के साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। तो हमारा फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, राइट आ रहा और आ रहा है, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है अपनी एफिल टावर के साथ। वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर व्यू है यहाँ से एफिल टावर का। विथ टिकट और विदाउट टिकट दो लाइन्स बनी हुई है। विथ टिकट वाले वो है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो वो अलग लाइन में जाएंगे, उनके लिए डायरेक्ट है लाइन, और वो विदाउट टिकट जिन्होंने यहाँ पे आके जिनको टिकट लेनी है उनके लिए काउंटर अलग से बना हुआ है, इसलिए दो रो बनाए हुए हैं यहाँ पे विद टिकट और विदाउट टिकट के लिए। अपन कौन से है, विद टिकट और विदाउट टिकट? विदाउट टिकट, ऑनलाइन टिकट भी नहीं मिली, ऑनलाइन नहीं मिली लेकिन ऑफलाइन मिल रही है टिकट। इट्स कॉल्ड चीज पैनकेक और हम बोले तो ऐसे चीज डोसा। स्माइल तो करो, अच्छा है, बनाया तो अच्छा है, चीज लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी चीज लेंगे, अब बारी है मेरे टेस्ट करने की। अच्छा है, घी डोसा का टेस्ट है। और एफिल टावर घूमने आए और ऐसे सामने गार्डन में ना बैठे तब तक मज़ा नहीं आता है, तो हम एफिल टावर देखने आए, उसके बाद यहाँ इसके सामने, जस्ट इस एफिल टावर के सामने इस गार्डन में हम तकरीबन 1 आवर बैठे हैं और अपना पैनकेक खाए, तो पेट पूजा भी हो गई, साथ में थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो गया और साथ में एफिल टावर को भी निहार लिए सामने से, इसका मज़ा ही कुछ और है। विदाउट गार्डन में बैठे सिर्फ एफिल टावर देखो और चले जाओ तो वो मज़ा नहीं आता, जब तक कि इसके सामने बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं, पार्ट पार्ट्स में गार्डन है, आगे से लेकर इधर पीछे तक दाएं बाएं चारों तरफ बहुत सारे गार्डन है
तो किसी भी गार्डन में, कोई भी गार्डन, अपना फेवरेट एरिया चूज करिए और वहाँ पे एक दो घंटे ज़रूर बैठिए। उससे बहुत मज़ा आता है, बैठ के रिलैक्स फील होता है और जो एफिल टावर का व्यू आता रहता है वो अमेजिंग है। और यहाँ पे भी रिक्शा चल रहा है। ये एफिल टावर के सामने ही मुझे ये बहुत ही सुंदर सा ब्रिज दिखा। ये वॉकिंग ब्रिज है, इस पर गाड़ियाँ नहीं जा रही है, सिर्फ वॉक करने के लिए। काफ़ी सुंदर लग रहा है ब्रिज। बहुत क्राउडेड है मेट्रो, नहीं सुपर क्राउडेड है। दिल्ली की मेट्रो की याद आ गई। किसके मेट्रो की? दिल्ली के मेट्रो की याद आ गई। अच्छा, अभी हम वापस आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम अपने अपार्टमेंट जाएंगे और फिर वापस शाम को आएंगे एफिल टावर का इवनिंग व्यू लेने के लिए, क्योंकि अभी 3-4 आवर्स है शाम होने में। और जब शाम होता है तो एफिल टावर का एक अलग ही व्यू, अलग ही नज़ारा होता है और वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हम। और अभी सुबह के निकले हुए, काफ़ी थक गए हैं। अभी अगर यहाँ पर रहते तो मुश्किल होता इतना लेट तक रहना, इसलिए फिर थोड़ा रेस्ट करके और फिर वापस आएँगे इवनिंग में। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार हम फिर से आ गए हैं एफिल टावर और अभी 9:15 हो रहा है और आप दिन का उजाला देख सकते हैं, सूर्य देवता अभी तक चमक रहे हैं। यहाँ पेरिस में तो और लेट होने वाला है सनसेट, 9:48 टाइम है यहाँ का। तो वेट कर रहे हैं हम कि कब ये एफिल टावर लाइटन अप होगा। अभी तक डे लाइट है इसलिए इसको लाइटन अप नहीं किया गया है। जैसे अंधेरा हो जाएगा तब लाइटन अप होगा और तब देखने में इसको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी क्राउड है बोट पे बैठने के लिए, क्योंकि इवनिंग में बोट पे बैठ के एफिल टावर के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। व्यू बहुत अच्छा होता है उसका बोट से। हम भी सोच रहे हैं, देखते हैं अभी टिकट मिल जाए तो, ट्राई करते हैं टिकट्स के लिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। Escuchar con smartphone, con la conexión del wifi o de video, también con la audio guía dentro del barco atrás del sitio. Te da tripulación, nos deseo un buen agradable que crucen. La comanda es available also en italiano, Japanese, Russian, Chinese, Hindi, Deutsch, Portuguese, Korean, Polska, Dutch and Arabic. À la station de destination, les toilettes à bord qui ferment 10 minutes avant la fin de la croisière. Ladies and gentlemen, the bathroom is out of bathroom closed 10 minutes before the end. Tenemos un baño aquí que cierre 10 minutos antes del final. Wi-Fi, audio guide, Wi-Fi, audio guide. और बोट राइड हमारे लिए बहुत अमेजिंग रहा, इसके बिना एफिल टावर का व्यू अधूरा है। हमारे पास दो ऑप्शन था, एक एफिल टावर के टॉप पे जाके नीचे का व्यू देखना और एक इस बोट पे आके एफिल टावर का व्यू देखना, जो कि वर्थ इट था। इसके बिना सच में इनकम्प्लीट है ये टूर एफिल टावर का। और बोट पे आके बहुत ही मज़ा आया। और एक जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा इस बोट जर्नी का, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं इसके थ्रू, हम आधे पेरिस सिटी का भी टूर कर लेते हैं इस बोट राइड के थ्रू। और जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस आ रहे थे वो बोट में सब डिस्क्राइब हो रहा था। तो जब भी अनाउंसमेंट हो रही थी वो सारा सब कुछ बता रहे थे सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में। और बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन हिंदी का भी था, जो कि मुझे अच्छा लगा उस चीज़ से कि एक ऑप्शन हिंदी का भी है। और काफ़ी अच्छा सिटी टूर हो जाता है इस बोट राइड से। और अमेजिंग अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू सिटी का, अमेजिंग व्यू एफिल टावर का। तो इसलिए जब भी पेरिस आए ये बोट राइड ज़रूर करें, इसके साथ ही ये एफिल टावर का मज़ा दुगुना हो जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। इस बोट राइड के बिना इनकम्प्लीट है ये टूर। अभी हम लोग मेट्रो के लिए वेट कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन आ गए। आ जाओ आरव, यहाँ पे आ जाओ,
ठीक है। और आपको नींद आ रही है, वन स्टॉप बस। एफिल टावर में ऊपर जाने के लिए हमको जितनी एक्साइटमेंट नहीं थी, उतनी एक्साइटमेंट बोट राइड के लिए थी। और वाकई में उतना मज़ा भी आया बोट राइड करके। बोट से ही हमको पूरा एफिल टावर का व्यू आ रहा था। जब वो लाइटन अप हुआ, पूरा उसका फुल व्यू आ रहा था एफिल टावर का। काफ़ी अच्छी राइड रही वो। मीन्स जो भी वहाँ जाए बोट राइड ज़रूर करे, बहुत मज़ा आता है बोट राइड करने में। और 1 आवर की राइड थी। Thank you.